हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे कि आप लोग Realme C30y फोन में नोटिफिकेशन स्टेटस बार को किस तरीके से चेंज कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग बदल सकते हो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन स्टेटस बार को चेंज करके दिखाऊंगा और आप लोगों को किस तरीके से करना है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें। साथ ही आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, नोटिफिकेशन स्टेटस बार को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सिंपली अपनी फोन की प्ले स्टोर में चले जाना है। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपनी फोन की प्ले स्टोर में आ चुका हूँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। प्ले स्टोर में जाने के बाद गाइस आपको सर्च बार मिल जाएगा और गाइस आपको सर्च बार दिखते ऊपर यहाँ पे आ चुका है। आपको यहाँ पे टाइप करना है Realme चेंज स्टेटस बार, या फिर आप लोग स्टेटस बार चेंजर भी आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद गाइस आपके सामने यहाँ पे काफी सारे एप्लीकेशंस देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस, आपको यहाँ पे स्टेटस बार चेंजर ही आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ दोबारा से, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे काफी सारे एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं। आपको सिंपली इस वाले एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोडिंग पे लगा दिया, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। जो एप्लीकेशन है ना, वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। चलिए इस एप्लीकेशन को करते हैं ओपन। तो आप लोग इस एप्लीकेशन को जब फर्स्ट बार ओपन करोगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे कुछ परमिशन वगैरह अलाउ भी करनी पड़ेंगी, तभी आप स्टेटस बार को चेंज कर सकोगे। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे सारी सेटिंग को बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझ लो। जो जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ ना, आपको भी सिंपली वही सेटिंग करनी है, तभी आप लोग स्टेटस बार को चेंज कर पाओगे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे काफी सारी सेटिंग कर भी दी है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। आपको यहाँ से अलाउ भी करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको ऊपर एक ओके का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपका जो स्टेटस बार है ना, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा पूरा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टेटस बार बिल्कुल एकदम से चेंज हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो गाइस, आप लोग भी इसी तरीके से अपने Realme C30y फोन में नोटिफिकेशन स्टेटस बार को चेंज कर सकते हो। आई होप आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना।